नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। कहते हैं कि औरतों के पास हर सवाल का एक जवाब होता है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना औरतें पसंद नहीं करती। अगर आपकी कोई महिला मित्र हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सवाल आप उनसे कभी ना पूछें, क्योंकि वो बुरा मान जाती हैं, आपकी दोस्ती खत्म हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि वो सवाल कौन से हैं जो आप कभी भी एक लड़की से नहीं पूछ सकते। आप अभी तक सिंगल क्यों हैं? इस तरह के सवाल अक्सर महिलाओं से पूछे जाते हैं। कोई महिला 30 वर्ष की हो गई हो और उसकी शादी ना हुई हो, इस तरह के सवाल से बहस शुरू हो सकती है। इसीलिए इस तरह का सवाल करने से बचें। ये सवाल उन्हीं सवालों में से एक है जिससे सुनना कोई भी अनमैरिड महिला पसंद नहीं करती। महिला के अतीत के बारे में ज्यादा सवाल ना करें। किसी महिला के अतीत के बारे में पुरुषों को जानने में बहुत दिलचस्पी होती है, ऐसे में वो उनके अतीत के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन महिलाएं इस तरह के सवाल को कतई पसंद नहीं करती। जबकि पुरुष महिला के अतीत से जुड़े पुरुषों के बारे में जानने के लिए बहुत दिलचस्पी रखते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी महिला से ऐसा सवाल ना पूछें, वरना आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। महत्व किसे देती हो, पुरुषों द्वारा अपने गर्लफ्रेंड या पत्नी से पूछे जाने वाले सवालों में से ये भी एक है। पुरुष हमेशा अपने पहली पार्टनर से सवाल पूछता है कि वो किसे महत्व देती है, अपने दोस्तों को या अपने पार्टनर को। इस तरह के सवाल महिलाएं बिल्कुल पसंद नहीं करती। महिलाएं अधिक समय अपने पार्टनर को देती हैं, उसके बाद अपने दोस्तों को समय देती हैं, जबकि पुरुषों के साथ इसका उल्टा होता है। वे हमेशा अपने दोस्तों को ज्यादा समय देते हैं। क्या आप कमियां निकालते हैं? क्या आप दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते हैं? इसी तरह के सवाल महिलाएं कभी पसंद नहीं करती। हर महिला का पुरुष साथी के बारे में अलग अलग विचार होता है, तो इसीलिए आप महिला पर ही छोड़ दें। उम्र क्या है, किसी भी महिला से उसकी उम्र पूछना वैसे भी तहजीब के खिलाफ माना जाता है। वैसे भी ये सवाल किसी महिला को पसंद नहीं आता, तो इसीलिए महिलाओं से ये सवाल कभी ना पूछें। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।